19 नवंबर 1951 को जन्मी जीनत अमान को बॉलीवुड की उस हीरोइन के रूप में याद किया जाता है जिसने नायिकाओं की परिभाषा को बदल कर रख दिया। जीनत ने जब फिल्मों में कदम रखा तब ज़्यादातर हीरोइनें इंडियन लुक में नज़र आती थी, लेकिन जीनत ने वेस्टर्न लुक में अपने आप को पेश कर धमाका कर दिया। बोल्डनेस को भी जीनत अमान ने नई परिभाषा दी। कैमरे के सामने हिचक तोड़ हुए बिंदास तरीके से पेश आई और यही कारण है कि उनके फैंस ने सेक्स सिंबल खिताब से जीनत को नवाजा। जीनत के पिता अमानुल्लाह खान स्क्रिप्ट राइटर थे और बतौर सहायक उन्होंने मुगले आजम और पाकीजा जैसी फिल्मों में की स्क्रिप्ट लिखी। वे अमान नाम से लिखते थे। जीनत जब 13 वर्ष की थी तब उनके पिता गुजर गए तो जीनत ने अपने नाम में पिता का नाम जोड़ लिया और वह जीनत खान से जीनत अमान बन गई। जीनत की मां ने हैज नामक जर्मन पुरुष से दूसरी शादी कर ली और वे अपने साथ जीनत को भी जर्मनी ले गई। वहां से वे लॉस एंजिल्स पढ़ाई करने लग गई, लेकिन 18 वर्ष की होने पर पढ़ाई अधूरी छोड़ जीनत भारत में करियर बनाने के लिए आई। फिल्म अभिनेता रजा मुराद की जीनत कजन है। जीनत ने बतौर पत्रकार फेमिना में काम किया और बाद में वे मॉडलिंग की तरफ मुड़ी। ताजमहल चाय के लिए उन्होंने मॉडलिंग की। जीनत ने जब मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और सेकंड रनर अप रही। 1970 में वे मिस एशिया पैसिफिक बनी। जीनत को ओपी रलहन ने फिल्मों में पहली बार अवसर दिया। 1971 में आई हलचल उनकी पहली फिल्म थी। हलचल और हंगामा के पिटने के बाद जीनत ने जर्मनी और मां के पास लौटने का निश्चय किया। जर्मनी अपनी मां के पास लौटने का निश्चय कर लिया, लेकिन इसी बीच उन्हें बॉलीवुड के सुपरस्टार देवानंद ने हरे रामा हरे कृष्णा ऑफर की, जो 1971 में रिलीज हुई। हरे रामा हरे कृष्णा के लिए जीनत पहली चॉइस नहीं थी। पहले जीनत वाला रोल जाहिदा को ऑफर हुआ था, लेकिन वे देवानंद की बहन की बजाय उनकी प्रेमिका बनना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने फिल्म छोड़ दी और देवानंद ने जीनत को चुन लिया। हरे रामा हरे कृष्णा में जीनत ने अपने आप को वेस्टर्न स्टाइल को इस तरह पेश किया कि वे करोड़ों दर्शकों के दिल की धड़कन बन गई। उन पर फिल्माया गया गीत दम मारो दम आज भी युवाओं को पसंद आता है। जीनत अमान को देवानंद बेहद पसंद करते थे। जीनत के साथ उन्होंने हीरा पन्ना, इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र, वारंट, डार्लिंग डार्लिंग और कलाबाज जैसी फिल्में की। बरसों बाद देवानंद ने स्वीकारा था कि वे जीनत अमान को चाहने लगे थे। यादों की बारात की सफलता के बाद जीनत अमान स्टार बन गई। इस फिल्म में चुरा लिया है तुमने जो दिल को गीत जीनत पर फिल्माया गया और वह युवाओं के दिल की धड़कन बन गई। वेस्टर्न लुक, हॉट अंदाज और कपड़े पहनने में कंजूसी के कारण जीनत अमान मैगजीन की पसंदीदा अभिनेत्री बन गई। कई मैगजीन के कवर की उन्होंने शोभा बढ़ाई और इसी वजह से उन्हें कवर गर्ल कहा जाने लगा। जीनत अमान को कभी अच्छी अभिनेत्री नहीं माना गया, इसके बावजूद उन्होंने उस दौर के नामी फिल्म मेकर देवानंद, राज कपूर, बी आर चोपड़ा, फिरोज खान, प्रकाश मेहरा, मनोज कुमार, मनमोहन देसाई, राज खोसला के साथ काम किया। 1978 में जीनत की दो बड़ी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम और शालीमार फ्लॉप रही, जिससे जीनत के करियर पर प्रश्न चिन्ह लग गया, लेकिन जीनत ने सफल वापसी की। सत्यम शिवम सुंदरम को राज कपूर ने निर्देशित किया, जिनके साथ फिल्म करना हर हीरोइन का ख्वाब होता है। जीनत ने इस फिल्म में जमकर अंग प्रदर्शन किया और उन्हें कुरूप स्त्री के रूप में फिल्म में पेश किया गया। फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद जीनत की जमकर आलोचना हुई, लेकिन बाद में उन्हें इस फिल्म के जरिए ख्याति भी मिली। जीनत ने अपने दौर के नामी स्टार्स अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, देवानंद, राजेश खन्ना के साथ फिल्में की। फिल्म डॉन उन्होंने हीरोइन के बतौर एक्शन किया और उनके रोल की जमकर सराहना हुई। डॉन के निर्माता नरीमन ईरानी की फिल्म के निर्माण के दौरान मृत्यु हो गई थी, इसलिए जीनत अमान ने फिल्म में काम करने के बदले में एक भी पैसा नहीं लिया। जीनत अमान ने कई फिल्में ऐसी भी की जिनमें उन्हें महज सेक्स अपील बढ़ाने के लिए लिया गया। अली बाबा और 40 चोर के बाद जीनत अमान की लोकप्रियता रूस में बढ़ गई। किसी हीरोइन के बोल्ड अंदाज को देख उसे जीनत अमान कहा जाता है।
जैसे परवीन बॉबी को गरीबों की जीनत अमान, सारिका को जीनत अमान 2 और पद्मनी कोयलापुरी को बेबी जीनत और विपाशा बसु को न्यू एज जीनत कहा गया। जीनत अमान ने 1985 में मजहर खान से विवाह कर कई पुरुषों का दिल तोड़ दिया। 1998 में मजहर की मृत्यु हो गई। अजान और जहान नामक उनके दो बेटे हैं। जीनत की फिरोज खान, इमरान खान, कवलजीत और संजय खान से भी नज़दीकियाँ के चर्चे रहे। कहा जाता है कि संजय से भी उन्होंने विवाह रचाया था तो कुछ दिनों तक ही टिक सका। दोनों के बीच एक पार्टी में मारपीट की खबरों ने भी सुर्खियाँ बटोरी। सत्यम शिवम सुंदरम, कुर्बानी, अब्दुल्ला, दोस्ताना जैसी फिल्में जीनत के अंग प्रदर्शन के कारण याद की जाती है। 1972 में जीनत को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। सलमान खान ने मैंने प्यार किया देखने के लिए जीनत अमान को बुलाया। फिल्म देखकर जीनत थिएटर से बाहर आई तो सलमान ने जीनत से फिल्म के बारे में पूछा। जीनत ने फिल्म की आलोचना कर दी और कहा कि ये कैसी बचकानी फिल्म है जिसमें हीरोइन की एड़ी पर क्रीम लगाते हुए हीरो आंखें बंद कर लेता है। जीनत पढ़ाकू है और उन्हें नई नई किताब पढ़ना अच्छा लगता है। एक पार्टी के दौरान जीनत और संजय खान के बीच जमकर झगड़ा हो गया था। बात आज बॉलीवुड एक्ट्रेस रही जीनत अमान की है, जिन्हें फिल्मों में उनके ग्लैमरस अवतार के लिए आज भी जाना जाता है। जीनत की लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। फिल्मों में जैसी सफलता जीनत को मिली वैसी पर्सनल लाइफ में नहीं मिल सकी थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि जीनत की पर्सनल लाइफ बेहद उतार चढ़ाव भरी थी। आज हम आपको जीनत की लाइफ से जुड़ा एक पक्की सुनाने वाले हैं जिसने एक समय ना सिर्फ सुर्खियां बटोरी थी बल्कि जीनत को जिंदगी भर का गम भी दे दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जीनत की शादी अपने दौर के चर्चित एक्टर रहे संजय खान से हुई थी। हालांकि संजय ने कभी भी इस बात को नहीं माना था कि उनकी और जीनत की कभी शादी हुई थी। अब आते हैं इस वाक्य पर जो जीनत के साथ घटा था। असल में एक पार्टी के दौरान जीनत और संजय खान के बीच जमकर झगड़ा हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुस्से में संजय ने जीनत को इतनी जोर से मारा कि एक्ट्रेस की एक आंख फूट गई। एक घटना के बाद जीनत और संजय अलग हो गए थे। आपको बता दें कि आगे चलकर जीनत ने मजहर खान नाम के फिल्म मेकर से शादी की थी, लेकिन कहते हैं ये शादी भी सफल नहीं हो सकी थी। वहीं मजहर का भी लंबी बीमारी से लड़ते हुए निधन हो गया था। खबरों की माने तो जीनत ने अपने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले अपने दम पर की है। बॉलीवुड की ओरिजिनल डीवा कही जाने वाली जीनत अमान ने एक पुराने इंटरव्यू में अपनी कड़वाहट भरी शादी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि उनके पति मजहर खान का निधन किडनी की समस्या के कारण हुआ, लेकिन मजहर की मां और बहन ने ये भी इजाज़त नहीं दी कि वो अपने पति के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। बॉलीवुड की लेजेंड एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली जीनत अमान अक्सर अपने अभिनय किरदारों की वजह से चर्चा में रहती थी। जीनत ने सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने मजहर खान से क्यों शादी की थी। उन्होंने कहा, उस समय दूसरी किसी भी चीज़ से ज़्यादा मैं माँ बनने के लिए तैयार थी। मुझे लगा कि मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक तेज़ी से भाग रही थी और मुझे सच में बच्चे चाहिए थे। और सच कहूँ तो मैंने इसी वजह से शादी की थी, क्योंकि मेरा हकीकत में यही मानना है कि शादी करने का एकमात्र कारण परिवार बढ़ाना होता है, और उस समय मैं तैयार थी, इसलिए मैंने शादी कर ली। गुजरी जमाने की बोल्ड और खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान इन दिनों लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। उनके सुर्खियों में रहने के पीछे उनका सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम इस उम्र में आए दिन अपनी ग्लैमरस तस्वीरें डालना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जीनत अमान ने अभी कुछ ही वक्त पहले इंस्टाग्राम की दुनिया में कदम रखा है, लेकिन पीछे का कारण आज तक किसी को नहीं पता। आखिर क्यों जीनत अमान ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ जुड़ने में इतनी देर लगा दी। हालांकि हाल ही में अभिनेत्री ने खुद इस बात का खुलासा कर दिया है। चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह। बॉलीवुड की दिग्गज स्टार जीनत अमान ने हाल ही में 71 साल की उम्र में अपना इंस्टाग्राम डेब्यू किया है। उनकी पहली पोस्ट एक सेल्फी थी जिसमें उन्होंने 1970 के दशक के बारे में बात की थी। इसके साथ ही उसमें उन्होंने बताया था कि मैंने
कि कैसे गुजरे ज़माने में इंडस्ट्री पुरुष प्रधान हुआ करती थी, तभी से जीनत अमान अक्सर अपनी तस्वीरें साझा कर रही हैं जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। अभिनेत्री ने हाल ही में खुलासा किया है कि इतने वर्षों के बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम डेब्यू क्यों किया। उन्होंने प्रशंसकों को उनकी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद भी दिया। हाल ही में एक इंटरव्यू में जीनत अमान ने अपने इंस्टाग्राम डेब्यू के बारे में बताते हुए कहा, मेरा इंस्टाग्राम डेब्यू करने का कोई इरादा नहीं था। मेरे बच्चे मुझे सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे क्योंकि वे जानते हैं कि मुझे लिखना अच्छा लगता है। वे मुझे एक साल से ये बता रहे थे तो इस बार मैंने फैसला किया, क्यों नहीं, मुझे खुद को व्यक्त करने दो। इसलिए उनकी वजह से, जैसा कि वे कहते हैं, मैंने ये कदम उठाया। अपने इंस्टाग्राम डेब्यू के पीछे की वजह का खुलासा करने के बाद जीनत अमान ने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया और कहा, मुझे कहना है कि अब तक मुझे जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं उसमें बहुत खुश हूँ। मैं वास्तव में उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपको बता दें, जीनत अमान ने बीते दिन एक तस्वीर साझा की थी जिसे देख फैंस के साथ साथ स्लैब्स भी काफ़ी खुश हो गए थे। इन तस्वीर में एक्ट्रेस ने ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक पैंट और वाइट टी शर्ट पहनी है। इसके साथ इन्होंने सनग्लासेस लगाए हुए हैं। वह इस लुक में कमाल की खूबसूरत लग रही थी। जीनत अमान इंस्टाग्राम पर कुछ व्यक्तिगत कहानियां साझा कर रही हैं जिन्होंने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। वहीं अगर अभिनेत्री के करियर की बात करें तो जीनत अमान ने अपना डेब्यू द इविल विदिन से की थी। इसके बाद अभिनेत्री को सत्यम शिवम सुंदरम, डॉन, यादव की बारात, दोस्ताना, धर्मवीर और हरे रामा हरे कृष्ण जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने के लिए जाना जाता है। अगर आपने ये किस्सा नहीं सुना हो तो आपको बता दें कि फैंस हमेशा ही 70-80 के दशक की सबसे ग्लैमरस एक्टर रही परवीन बॉबी और जीनत अमान में कंफ्यूज रहते हैं। दरअसल दोनों ही एक्ट्रेस बहुत हद तक एक जैसी लगती हैं। इसका सबूत ये तस्वीर है जिसमें ये पता लग पाना कि बहुत मुश्किल है कि कौन सी फ़ोटो जीनत की है और कौन सी परवीन की। इसलिए कि हमशक्ल जैसी दिखने की वजह से उन्हें सिस्टर्स तक कहा गया, पर हम इन्हें सिस्टर ना कहकर डिवाइन सिस्टर कहें तो ठीक रहेगा। डिवाइन कनेक्शन भी इतना स्ट्रॉन्ग रहा कि दोनों एक अच्छी दोस्त भी बन गई। वहीं नेचर में दोनों को हूबहू तो नहीं पर बहनों जैसा बनाकर एक कनेक्शन क्रिएट जो किया है। सिर्फ चेहरा ही नहीं, उनके सिमिलर लुक्स में कुछ कमाल एक्ट्रेस एक जैसे स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज ने भी दिखाया है। कुछ समय पहले परवीन बॉबी की बर्थ एनिवर्सरी जीनत ने उन्हें याद करते हुए इंस्टाग्राम पर एक थ्रोबैक फ़ोटो शेयर की। फ़ोटो के साथ एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। अपने इस पोस्ट में जीनत ने उन्हें सबसे खूबसूरत, ग्लैमरस और प्रतिभाशाली एक्ट्रेस बताया। इसी के साथ उन्होंने यह बात भी शेयर की कैसे फैंस उनके और परवीन के बीच फ़र्क नहीं कर पाते थे, उन्हें परवीन या परवीन को जीनत समझ लेते थे। उन्होंने लिखा कि हम दोनों का ही हेयर स्टाइल एक जैसा था, दोनों ही वेस्टर्न फैशन को खूब पसंद करती थी। हम दोनों ने कभी खुद को एक जैसा नहीं पाया पर हमें मीडिया के जरिए पता चला हम में एक अलौकिक समानता है। जीनत शायद लोगों की इस बात पर यकीन नहीं किया करती थी, इसलिए उन्होंने इस बात को भी खास तौर पर मेंशन किया है कि अभी हाल ही में दुबई के किसी इवेंट में उन्हें देखकर परवीन मैम कहकर बुलाया गया था। जीनत अपनी पोस्ट में यहाँ पर यही नहीं रुकती, परवीन की निजी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें भी शेयर करती है। जीनत अमान ही नहीं, एक और एक्ट्रेस है जिन्हें परवीन बॉबी की हमशक्ल माना जाता है। उस एक्ट्रेस का नाम है दीपशिखा नागपाल। एक्ट्रेस ने वैसे तो 90 के दशक में फिल्मों में कदम रखा पर उन्हें असली पहचान टीवी इंडस्ट्री में ही मिली। उन्हें सबसे पहले फिल्म कोयला में नोटिस किया गया था जिसके बाद कई फिल्मों में नजर आई। दीपशिखा की पुरानी फ़ोटोज़ पर गौर करें तो वह बिल्कुल परवीन बॉबी की तरह दिखती हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।